हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अभी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे अभी स्पिटोलॉजी। हाँ तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लिम फैट बॉडी टाइप के बारे में। स्लिम फैट बॉडी टाइप क्या होता है? इस टाइप के बॉडी टाइप में दोस्तों होता है कि आपके हाथ, आपके पैर, आपकी छाती, बाकी सब आपका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम पतला होता है, एकदम नॉर्मल शेप में होता है, बस आपका पेट निकला हुआ होता है। और ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, जैसे मैं देखा हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम काफ़ी इंडियन लोगों में होता है। काफ़ी मेरे फैमिली में मेरे जो कजन्स भाई ब्रदर कजन्स भाई लोग हैं, कजन सिस्टर्स है, या मेरे जो भी दोस्त लोग हैं, सब लोग मेरे को यही क्वेश्चन हर बार पूछते हैं कि अभी हम लोग का सारा बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर है, हम लोग का सब कुछ पतला है, बस हम लोग का पेट निकला हुआ, ऐसे क्यों होता है? तो इस प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है गाइस, और इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये सारा मेरे एक्सपीरियंस और मेरे रिसर्च के थ्रू आया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो कम्प्लीटली एंड तक देखें और जाने कि इसके पीछे रीजन क्या है और आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहला रीजन आपके स्किनी फिट बॉडी टाइप, जिनका कि फैट सिर्फ एब्डोमेन में एरिया में होता है, उसका सबसे पहला रीजन है गाइस कि आपका जेनेटिक जेनेटिक ऑर्डर, जैसे जेनेटिक ट्री मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि आपका जो है जो एंसिस्टर्स है, आपके जो परदादा हैं, आपके जो फादर है, फिर उसके बाद आप हैं, तो आप उनके बॉडी टाइप को देखिए। अगर उनका बॉडी इस तरीके से फैट स्टोर करता है कि सिर्फ उनका फैट उनके स्टमक एरिया में स्टोर होता है, तो इट इज़ गुड चांस, ये काफ़ी अच्छा चांस है कि ये आपके बॉडी में भी इस तरीके से फैट स्टोरेज स्टार्ट हो सकता है, अगर आप इसका ध्यान ना रखें तो। ठीक है, तो ये आपके सबसे पहला और सबसे साइंटिफिकली प्रूव्ड रीजन है कि जिसका जेनेटिकली अगर ऐसा होता है तो ये इट इज़ अ गुड चांस दैट कि आपकी बॉडी भी इसी तरीके से रेस्पॉन्ड करे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि हम इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, तो इसका सबसे पहला रीजन है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सेकेंड चीज़ है कि आपका स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस लेवल काफ़ी प्ले करता है गाइस आपका फैट स्टोरेज में, क्योंकि अगर जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड है उतना बॉडी आपका एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कि कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल क्या होता है कि गाइस कोर्टिसोल, एक्सेस कोर्टिसोल हार्मोन प्रोडक्शन के वजह से तुम्हारा आपका बॉडी का एक टेंडेंसी बन जाता है कि जिससे आपका बॉडी फैट आपके बेली एरिया के अराउंड स्टोर करना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जब आपका बॉडी स्ट्रेस में चले जाता है तो आपके ऑर्गन्स ठीक से काम करना नहीं चालू करते, उनको इनफ फ्यूल नहीं मिलता है, तो बॉडी क्या करता है कि फैट आपके अराउंड बेली एरिया में स्टोर कर लेता है, जहां से कि वो इजीली फैट को एसेस कर सके एज अ फ्यूल। ठीक है, ये इसका मेन रीजन है। तो इसीलिए आपको कम स्ट्रेस लेना है। अभी आप बोलेंगे यार कम स्ट्रेस लेना है, ऐसे कैसे कम स्ट्रेस लेना है यार, लाइफ है, जॉब है, पैसे चाहिए, इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सबका देखना। सही बात है यार, आप ये चीज को आप कभी छोड़ के जा नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते। तो आप इसका एक ही चीज आप खुद के बॉडी के लिए, आपके खुद के लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि आप यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि अभी स्ट्रेस का नाम जैसे आता है सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्या आता है, मेडिटेशन कर लो यार, योगा कर लो यार। देखो यार, मैं योगा में किया हूँ बट मैं पता नहीं, मैं मेडिटेशन वेडिटेशन में मैं इतना किया नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट गुड या इससे आपको कुछ हो नहीं सकता, पर मैं मेडिटेशन मैं मेरे को नहीं लगता कि मैं मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा लीन हूँ। मैं मतलब ज़्यादा मेरा दिमाग मेडिटेशन की तरफ जाता है, मेरा दिमाग ज़्यादा जाता है कि लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, एक्सरसाइज, एक्सरसाइजिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजिंग, और एटलीस्ट गोइंग आउट, बाहर जाके थोड़ा पार्क में वॉक कर लो, थोड़ा जॉग कर लो, मैं इसमें भी बिलीव करता हूँ। ये सब चीज़ें गाइस आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी अच्छी तरीके से कम कर देता है। आप सोचेंगे कि यार पार्क में जाके थोड़ा सा जॉग करूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, आपके बॉडी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पर आपके दिमाग पे काफी फर्क पड़ेगा, आप काफी फ्रेश फील करोगे, आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाएगा। तो गाइस चालू करो यार, किसी ना किसी चीज से चालू करो। मैं सबको बोलते रहता हूँ कि एक्सरसाइज चालू करो, कुछ ना कुछ तुम्हारे एक्टिविटी चालू कर दो, क्योंकि मेरे दोस्त सब लोग जो इंडिया से मेरे सब दोस्त लोग हैं, जो मेरे पेरेंट्स मेरे सॉरी मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, सब लोग मेरे को ये पूछते रहते हैं बेली एरिया में फैट हो रहा है यार, बॉडी में फैट जम रहा है, वेट गेन हो रहा है, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मैं ये ज्वाइन कर लूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसे नहीं होता यार, कहीं से तो चालू करो। ऐसे नहीं कि लोग बोलते कि अरे यार अगले महीने से मैं जिम जा,
आज घर पे तुम्हारे पास 10 मिनट टाइम है, तो 10 मिनट में थोड़े से पुशअप कर लो, थोड़े से स्क्वाट कर लो, नहीं तो बाहर चले जाओ पार्क में, 10 मिनट एक 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 दो राउंड लगा लो, जॉगिंग कर लो, कुछ ना कुछ तो कर लो यार। ऐसा नहीं है कि तुमको चालू करना है तो एकदम एकदम जाओगे तो जिम में एकदम से, ऐसे नहीं होता है। आपको जीरो से ही चालू करना होगा। याद रखो कि ऐसा मत करो, आप आपके चीजों को पोस्टपोन करना छोड़ दो, रोक दो इन चीजों की, जहां की आप बोलते हो कि अरे यार ये चीज नहीं है ये, डोंट 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 ब्रिंग इन एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस लाना छोड़ दो, चालू करो। घर पे भी कुछ ना कुछ चालू करो, आपके एटलीस्ट मेंटल लेवल, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो तो डाउन होगा। अगर ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है गाइस कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट बाहर जाके आराम से शांत से एक दो ग्राउंड के चक्कर लगा दो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर लो, तो आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो इसीलिए पहले सबसे पहले ये चालू करो कि आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज करना चालू कर दो। अगर आप इफ यू आर इन टू योगा, अगर आप योगा में हैं, अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो चालू करो, सब चीज बढ़िया है गाइस, सब चीज सही है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि लिफ्टिंग मेरे को थोड़ा एग्रेसिव एक्सरसाइज मेरे को अच्छे लगते हैं, तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। इसीलिए मैं मेरे फॉलोअर्स को, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे सब, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सबको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि जाओ जिम में, जाओ थोड़ा एक्सरसाइज, जिम में सॉरी बाहर जाओ, थोड़ा रनिंग कर लो। घर पे अगर जिम नहीं जा सकते, जिम के लिए टाइम नहीं है, तो घर पे 20-40 पुशअप्स लगा लो, थोड़ा बहुत स्क्वाट मतलब उठक बैठक कर लो, कुछ ना कुछ तो कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका जैसा लेवल बढ़ते जाएगा, आप खुद उसके हिसाब से एडजस्ट होते जाओगे, पर कहीं ना कहीं से तो चालू करो। ये हो गया एक्सरसाइज का पार्ट, आपका स्ट्रेस लेवल आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपका ये उसका आंसर हो गया। अभी सेकंड थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज आपका ये है कि डाइट। अभी आप सबको पता है कि क्या खराब है क्या अच्छा है, तो मैं ये सब तुमको समझाऊंगा नहीं कि यार फास्ट फूड, यार ये चिकन फ्राई, वो चिकन फ्राई खाना, बिरयानी खाना छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो। मैं आपको एक बेसिक साइंस में समझाना चाहता हूँ कि फूड कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि अभी जितने लोग चैनल देख रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब में इधर उधर के वीडियो देखते हैं वेट गेन वेट लॉस के बारे में, उन सबको पता है कि व्हाट इज गुड फूड एंड व्हाट इज बैड फूड, खराब खाना क्या है अच्छा खाना क्या है, आप सबको पता है। तो वो छोड़ के आप सब चीजों को ये नहीं पता है कि फूड कॉम्बिनेशन के बारे में इंपॉर्टेंस क्या है इसके बॉडी में, तो आपको ये नहीं पता है। फूड कॉम्बिनेशन क्या है कि गाइस आप जो फूड, जो टाइप का फूड, जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन फैट कार्ब्स, ये तीन आपके मेन फूड फूड कैटेगरी है समझो, आपको भी पता है। तो आप इसको कैसे कंबाइन करके खा सकते हैं आपके बेटर रिजल्ट के लिए, बेटर बॉडी रिजल्ट के लिए। तो आपको सबसे बड़ा नो नो, सबसे बड़ा गलत फूड कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है? सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। देखो गाइस ऐसा होता है कि आप जब भी आप खाना खाना खाने के बारे में सोचते हैं, जब आप खाना खाने के बारे में सोचना चालू करेंगे, हाँ भाई मेरे को आज चिकन बिरयानी खाना है, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आएगा चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी में क्या है, व्हाइट राइस एंड योर चिकन, तो वो फूड ऑलरेडी तुम्हारा बॉडी एक बार टेस्ट कर चुका है, एक बार सेंस कर चुका है, और उस बॉडी को पता है कि उस फूड को कैसे रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है? तो जब आप सोचते हो तो आपके मुंह से पानी निकलना चालू हो जाता है, ऐसे होता है, खाना देख लेते हो या सूंघ लेते हो तो पानी निकलना चालू हो जाता है। इस सब सेंसेस के बेसिस पे आपका स्टमक क्या चालू कर देता है कि HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करना चालू कर देता है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अभी समझो कि आप आपके मुंह में थोड़ा सा राइस डाल दिया जो कि विच इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, तो आपका बॉडी सेंस कर लेता है कि दिस इज, इसमें बहुत सारा स्टार्च है, इसमें बहुत सारा दिस इज अ रिफाइंड कार, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को जैसे कि बहुत कम HCl एसिड लगता है डाइजेस्ट करने के लिए, तो आपका बॉडी उस अमाउंट के HCl एसिड आपके स्टमक में प्रोड्यूस कर देता है, और आप उसके बीच में चिकन भी खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि बिरयानी में ऑफकोर्स चिकन रहता है, चिकन खाना चालू कर देते हैं, मीट खाना चालू कर देते हैं, विच इज प्रोटीन, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ HCl एसिड लगता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगता है, जो कि जो आपका स्टमक एसिड होता है। लेकिन आपका बॉडी ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से एसिड प्रोड्यूस कर चुका है, तो अभी वो प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा? तो आपका प्रोटीन आपके स्टमक में ही रह जाता है, इट स्टार्ट गेटिंग फर्मेंटेड, वो प्रोटीन आपका फर्मेंट होना चालू हो जाता है, जिससे कि आप गैस प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखिएगा इसकी आपका फूड कॉम्बिनेशन प्रोटीन वेजिटेबल्स फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेबल्स फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कभी भी ना मिला है, तो ये चीज दिमाग में रखे आप प्लीज, आपका फूड कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखे। अदर देन दैट आपको पता है कि क्या खराब है क्या गंदा है क्या अच्छा है, मेरे को नहीं खाना है। और हमारे इंडियन डाइट में गाइस प्रोटीन इज लैकिंग, प्रोटीन इतना लैक कर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद एक वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ,
प्रोटीन नाम की चीज ही नहीं होती है गाइस, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन हमारे कहाँ से आता है। कभी तो वीकली एक बार हम लोग चने चने की सब्जी बना लिए या कुछ बना लिए, या फिर उसके बाद दाल दाल खा लिए। दाल में कितना ही होता है, लेंटिल्स हम लोग कितना खाते हैं, एक छोटा सा कटोरा लेके हम लोग दाल खा लेते हैं, उससे कितना ही आपके बॉडी के नीड का प्रोटीन कैसे ही पूरा होगा। इतना सा राइस खा लेते हैं, उस पर इतना सा दाल होता है, कैसे होगा प्रोटीन का, प्रोटीन का आप लोग नीड आपके बॉडी को कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे। तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखे गाइज, इफ यू आर वेजिटेरियन स्पेशली, तो आप चिक पीस, चने, राजमा, रेड बीन्स, ब्लैक बीन्स, ये सब आपके डाइट में डेली के हिसाब से आप इंक्लूड करें, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ आपकी हो गई कि डाइट वाइज। तो आप, हम लोग अभी तीन टॉपिक कवर कर चुके, एक तो जेनेटिक, दूसरा स्ट्रेस, अभी पुअर डाइट का भी हम लोग बात कर लिए, लास्ट है एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर स्किनी फैट बॉडी, क्योंकि क्या होता है, अभी आपका डाइट सही हो गया, आप प्रोटीन, इनफ प्रोटीन आपके बॉडी को दे रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी उस प्रोटीन को सप्लाई, प्रोटीन क्या होता है, आपके बॉडी, आपका स्टमक प्रोड्यूस करता है एच सी एल एसिड और पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करता है। पेप्टाइड्स क्या करता है कि पेप्टाइड्स आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और वो उस प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, देन दैट एमिनो एसिड्स इज ट्रांसफर टू योर मसल्स टू फिल अप द क्रैक्स। क्रैक्स इन द सेंस, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल जब स्वेल होता है तो उसमें छोटे छोटे क्रैक्स पैदा क्रिएट होते हैं, उस क्रैक्स को फिल अप करने के लिए वहां पर एमिनो एसिड जाके बैठता है और नया टिश्यू फॉर्म हो जाता है। तो उस नया टिश्यू के हेल्प से आपका मसल का साइज बढ़ता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, ये नॉर्मल प्रोसेस है आपका मसल बिल्डिंग में। और अगर आप एक्सरसाइज करते ही हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, तो अगर आप प्रोटीन खा भी रहे तो उसका काफी कम असर पड़ेगा आपके मसल साइज पे। और अभी आप कैसा है कि आपका फैट यहाँ पे, ठीक है, आपका ये पतला है, ये पतला है, ये पतला है, और आपके लेग्स भी पतले हैं, तो इससे क्या दिखता है कि आपका ये ज्यादा उठ के दिख जाता है। अगर आपका चेस्ट बड़ा हो, आपके आर्म्स बड़े हो, तो ये अगर थोड़ा बहुत मोटा भी है, इट लुक्स गुड, एस्थेटिकली स्पीकिंग इट लुक्स गुड। अगर आप देखने में, आप देखेंगे जिसका, जिस आदमी का हाथ, छाती चौड़ा है, हाथ बड़े हैं, पैर बड़ा है, अगर उसका थोड़ा सा पेट भी निकला हो तो वो ठीक दिखता है, क्योंकि वो एक प्रोपोर्शन में दिख जाता है। तो आप इस चीज को एक्वायर करने के लिए आप एक्सरसाइजिंग चालू कर दे, स्पेशली रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इन द सेंस कि वेट लिफ्टिंग, पुशअप्स, जो भी आपका जिम के एक्सरसाइजेस होते हैं, ये सब आप चालू कर दे, जिससे कि आपका मसल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाए और आप इसको कंपनसेट कर सके। तो एक्सरसाइजिंग इज इंपॉर्टेंट टू फॉर द एस्थेटिक लुक एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, यहाँ पे फैट जमना कम हो जाएगा, और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये सबका साइज शेप बड़ा हो जाएगा और ये भी सही लगना चालू हो जाएगा, और ओवरऑल आपका हेल्थ भी ठीक हो जाएगा एक्सरसाइजिंग से। तो गाइज, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए आप अपना शरीर, अपना माइंड और अपना इंटरनल हेल्थ ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज, एक्सरसाइज करना चालू करें, रोज कुछ ना कुछ कीजिए, एटलीस्ट 20 या 30 पुशअप लगा लीजिए, 10 पुशअप लगा लीजिए, 5 पुशअप लगा लीजिए, 10 10 उठक बैठक कर लीजिए, कुछ ना कहीं से तो चालू कीजिए, या तो पार्क में जाइए, एक आध राउंड लगा के जॉगिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, कुछ ना कुछ करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। हर चीज जीरो से ही स्टार्ट होती है, ये दिमाग में रखो, 0 1 2 3 4 ऐसे जाता है, ऐसे नहीं कि एकदम 100 पे जंप करे, ऐसा कभी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर लो मेरे भाई और बहनों, पर कुछ ना कुछ करो। और ये मैं वीडियो स्पेशली मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हर बार बोलते हैं कि अभी कुछ ना कुछ तो हिंदी में वीडियो बना और इस टॉपिक पे बना, कि जिससे कि हम सबको फायदा हो, क्योंकि वो सबके दिमाग में यही होता है कि वेट कैसा लूज करना है, बॉडी को एस्थेटिकली कैसा अच्छा दिखाना है। तो मेरे एक्सपीरियंस में गाइज, मैं जिनको भी अभी भी ट्रेन करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों को, सब लोगों को मैं इसी तरीके से ट्रेन करते रहता हूँ, और सबका काफ़ी अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस चीज़ों को फॉलो करें, बेसिक चीज़ें हैं सब, चीज़ों को फॉलो करें और आपके शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि आपके शरीर से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, आप अच्छे हो तो सब अच्छा है। तो इसीलिए खुद का ध्यान रखो गाइस, अभी के तो करंट सिचुएशन में आप सेफ रहो, घर पे रहो, घर पे एक्सरसाइज करो अच्छे से, जो मैं बोला हूँ, जैसे कि पुशअप्स, स्क्वाट्स, और मैं कुछ वीडियो भी डाला हूँ कि घर पे आपको एक्सरसाइज कैसे करना है, मेरी पहली पहली कुछ वीडियोज है, आप उनको भी देख के रेफर कर सकते हो, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का लिंक। और हेल्दी रहो यार, खुश रहो, एक्सरसाइज करो।
मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।